हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा नदीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बाहर और मुझे ना कुछ चीज़ें चाहिए थी। मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, थोड़ा सा एक दो मेकअप की चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी, और एक तो जो है ना मुझे घर के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा चलो जाना थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, चीज़ें लेते हैं और जो है ना थोड़ा सा इन्जॉय भी कर लेंगे। तो यहाँ पर अली की हरकतें आप देख सकते हैं। मैं भैया से बातें कर रही थी ना, तो अलीशा जो है ना पीछे से रैपर वाला एक्ट कर रही थी। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है ना सेंट्रम आ गए हैं अपने, और सेंट्रम में ये थोड़ी बहुत लाइट्स लग चुकी हैं क्रिसमस की। अभी अभी जो है ना वो हेलोवीन गया है और क्रिसमस आके खड़ा हो गया है, तो क्रिसमस की लाइटिंग वगैरह हो रही है। और यहाँ से मैंने जो चीज़ें ली ना वो ले, तो अलीशा ने कहा कि मैं स्कैन करूँगी, तो हमने कहा चलो कर लो, क्योंकि उसको जो है ना सिखाया हुआ, स्कूल में भी सिखाते हैं बच्चों को, हमने भी सिखाया है, तो उसको जो है ना आता है। तो उसने सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना स्कैन की और बड़ा खुश हो रही थी ना। बालाज अपनी पॉकेट में आराम से बैठा हुआ था और यहाँ पर जो है ना वो अपनी चीज़ें स्कैन कर रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो जो है ना खुश हो जाएगी, उसको स्कैन करने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अलीशा की वीडियो बना रही हूँ। हम लोग यहाँ लिफ्ट का वेट कर रहे थे कि लिफ्ट आएगी और फिर हम अपने कार पार्किंग में जाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं अलीशा की वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि एक दफ़ा जब हम लोग आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, हम लोग जब लंदन गए थे घूमने, तो वहाँ पे जो है ना एक सीन हो गया था कि जब हम रात में घूम के वहाँ से आ रहे थे अपने होटल में ना, अभी आप देख सकते हैं अलीशा अंदर जाने के लिए एकदम घबरा जाती है। वो कभी जल्दी भागती है, कभी रुक जाती है। देखो कितना घबरा रही है अभी, इसके फेस से जो है ना लग रहा है, तो वो घबरा जाती है लिफ्ट को देख के ना। वो क्यों घबरा जाती है, क्योंकि जो है ना जब हम लोग वहाँ से घूम के आ रहे थे अपने होटल में, तो उसने क्या कहते हैं, हम सब लिफ्ट के अंदर जा रहे थे नॉर्मली, तो वो सबसे पहले लिफ्ट में घुस गई। उसके बाद जो है ना मैं घुसने लगी, उसके बाद हस्बैंड घुसने लगे, तो बाला जो है ना वो वापस लिफ्ट के बाहर जो है ना भाग गया ना, वो अंदर आया ही नहीं था लिफ्ट के। तो जो है ना मैंने हस्बैंड को कहा कि आप उसको ले आओ, तो वो हस्बैंड के पास नहीं आ रहा था, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो वो आ जाएगा, लिफ्ट बंद नहीं हुई थी ना। तो मैंने कहा कि ना रात का टाइम हो रहा है और होटल में शोर हो रहा है, तो मैं उसको लेने चली गई। तो मेरे पीछे पीछे हस्बैंड भी निकला है, और अलीशा जो है ना वो लिफ्ट के अंदर ही थी, और वो लिफ्ट का दरवाज़ा जो है वो बंद हो गया ना, तो और वो बंद हो गया तो मैं लिफ्ट के बाहर ही खड़ी भी थी, लेकिन जो है ना लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। मुझे आइडिया था ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो इतना पैनिक कर गई, तो मेरा जो एकदम से माइंड में आया ना, तो मैंने फौरन जो लिफ्ट का बटन होता है ना उसको मैंने 2-3 दफ़ा प्रेस किया ना, तो वो क्या हुआ कि लिफ्ट ऊपर जाने की बजाय उसका दरवाज़ा फौरन से खुल गया ना। तो वो बहुत ज़्यादा अलीशा पैनिक कर गई थी, तो वो रोने भी बहुत लग गई थी। तो मैंने उसको ये समझाया था कि कभी भी ऐसा कुछ हो, कभी भी आपने नहीं घबराना है, अगर लिफ्ट ऊपर चली भी जाती है तो लिफ्ट ऊपर जाके खुलेगी ना, आपने बाहर आ जाना लिफ्ट से, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी, उस दिन के बाद से वो बहुत ज़्यादा लिफ्ट से डरती है ना, तो वो हमेशा यही होता है। तो वो बाय चांस ऐसी मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया ना, तो मैंने कहा कि मैं ना बताती हूँ कि ये हुआ था अलीशा के साथ। तो वो जो है ना सोच के मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है, लेकिन थोड़ा सा वो भी डर भी लग गया था जब हुआ था, तो वो उसका भी है कि वो ना थोड़ी सी डरती है। खैर, थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं और हमें बच्चों को समझाना पड़ता है। तो वो क्या, उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, तो हमने सोचा था कि जो है ना बाहर खाना खाएंगे कल सोचा था, लेकिन फिर हमने बाहर से खाना ऐसे नहीं खाया क्योंकि हमने घर में बना ली थी निहारी। क्योंकि हमारे यहाँ के प्लान ऐसे ही अचानक बनते, कभी अचानक से हलीम बन जाता है, कभी अचानक से निहारी बन जाती है, तो निहारी बन गई। तो हमने सोचा कि चलो अब घर जाके ही खाना खाते हैं। तो जो है ना मैं रोटियाँ बना के फ्री हो चुकी थी, तो अब यहाँ पे मैं उसके ऊपर ज़्यादा हरी मिर्ची भी डालनी होती हैं, तो मैं यहाँ पे हरी मिर्ची काट रही हूँ, और फिर से भी कोशिश थी कि मैं आराम आराम से काटूँ, ताकि पतली पतली और बारीक बारीक हरी मिर्च कटे, तो बहुत अच्छी बारीक बारीक हरी मिर्चें मुझसे कट गई, वो काट ली। उसके बाद यहाँ पर मैं लेमन कट कर रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर लेमन डाल के खाओ ना तो बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर रख लिया और अब खाना खाएंगे, एंड पे खाना खा के आपसे मिलती हूँ।
अच्छा मैंने ना थोड़े दिन पहले जो है ना अलीशा के लिए ना जेली बनाई थी, वो जो नॉर्मल जेली होती है ना बना के खाते हैं स्ट्रॉबेरी वाली वो वाली। तो जो है ना जब वो बनी थी ना तो हम लोगों को ख्याल आया कि जो है ना हस्बैंड कहने लगे कि फालूदा लेके आऊँगा और उसके साथ जो है ना उसके अंदर भी डाल के खा सकते हैं ना। तो वैसे तो मुझे इतना फालूदा पसंद नहीं है बहुत, लेकिन खाने को मिले तो खा लेती हूँ। तो जो है ना मैंने कहा चले ले आइएगा, तो वो बता रहे थे कि वह इस तरह से जो पैकेट वाला होता है ना वो मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है ले आइएगा। तो जो है ना वो लेके आ गए थे और उसके बाद हमने जो है ना वो बना लिया था। लेकिन जब वो फालूदा हम लोग को दूध के अंदर उसको पकाना होता है ना, जैसे खीर को हम दूध के अंदर पकाते हैं वैसे, तो मैं उसकी क्लिप बनाने ही भूल गई ना। तो अब जब मैं उसको यहाँ पर सर्व कर रही थी ना, तो मैंने कहा कि चलो है ना मैं बताती हूँ कि हमने फालूदा बनाया और उसके बाद जो है ना हमने इस तरह से बना लिया वो पूरा डाल के उसके ऊपर आइसक्रीम डाल के जेली डाल के, तो बहुत टेस्टी था। अब यहाँ पे ये ग्लास मैंने ना अपने लिए बनाया, मैंने हस्बैंड को पूछा भी ना, वो मोबाइल में कुछ काम कर रहे थे तो मैंने उनको पूछा भी कि मैं आपके लिए जो है ना बनाऊं, तो उन्होंने ना मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मुझे ये हुआ कि शायद उनको नहीं खाना होगा इस वजह से वो जवाब नहीं दे रहे, या वो क्या कहते हैं ना काम में बिजी हैं। तो मैंने अपने लिए वहाँ पर ना ग्लास बनाई थी, मैंने कहा चलो एक बड़ा ग्लास है, अगर उनको खाना भी हुआ तो हम लोग जो है ना शेयर कर लेंगे। जबकि और था ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया था। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने जो है ना आप देख सकते हैं इतना कोई देखते हुए भी मज़ा आ रहा है ना, पहले हमने पूरा फालूदा डाला उसके बाद आइसक्रीम डाली। तो मैं जैसे ही यहाँ से बना के जैसे ही किचन से मुड़ी हूँ ना ग्लास लेके, तो पीछे आके खड़े हो गए और जो है ना उन्होंने मेरे हाथ से ग्लास ही ले लिया। अरे वाह तुमने बना दिया और ये वो करके मेरे हाथ से ग्लास ही लेके चले गए। मैंने कहा ये बताओ ज़रा, जब मैंने पूछा तो कोई जवाब नहीं और उसके बाद जो है ना वो मेरे हाथ से ग्लास ही लेके चले गए, ये क्या बात हुई। खैर फिर जो है ना क्या कहते हैं ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं बनाना तो वैसे था ही। तो फिर जो है ना ये वाला ग्लास ले लिया हस्बैंड ने बड़ा वाला। उसके बाद जो है ना हमारे पास ना ये बड़े वाले ग्लास जो है ना वो दो ही थे, तो वो एक ग्लास जो है ना दो तीन दिन पहले ही टूट गया। तो फिर जो है ना बड़ा ग्लास था नहीं, बड़े ग्लास लेके आने हमें, तो मेरे पास था छोटा वाला ग्लास ना कांच का। तो फिर मैंने क्या किया कि ये बड़ा वाला ग्लास दे दिया हस्बैंड को, क्योंकि वो लेके ही चले गए, देना क्या, वो तो खुद ही लेके चले गए मेरे हाथ से। तो फिर छोटे वाले ग्लास में मैंने जो है ना अपने लिए बनाया और इतना कोई मज़ेदार बनाना कि यार मज़ा ही आ गया खा के ना, तो बहुत मज़ा आया। देखो इसमें कैमरे में देखना बंद हो गया।